मैं बचपन से ही ये सोचता आया कि भारत की पहली रेल अंग्रेजों ने चलाई, मगर ये सच नहीं है। इंग्लैंड में जब पहली रेल चली तब भारत में श्री जगन्नाथ शंकर सेठ जी ने अंग्रेजों को भारत में भी वैसे ही ट्रेन चलाने का प्रपोजल दिया और बाद में उनके साथ जमशेद जी जीजी बॉय भी जुड़ गए, मगर अंग्रेजों ने भारतीय रेल पर खर्चा करने से मना कर दिया। तब नाना शंकर सेठ जी ने अपने लाखों रुपए और अपना भाईकला का बंगला जहां पर भारतीय रेल की पहली ऑफिस खुली वो डोनेट कर दिया और उन्हीं की वजह से फाइनली 16 अप्रैल 1853 को भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली ट्रेन चली बोरी बंदर से ठाणे तक। इस ट्रेन में एक स्पेशल वीवीआईपी कंपार्टमेंट था जिसमें कुछ गिने चुने भारतीय थे, उसमें से एक व्यक्ति थे श्री जगन्नाथ शंकर सेठ जी, जिनको इंग्लैंड की रानी ने खुद दिया था गोल्डन रेलवे पास। ठाणे के मुरबाड़ में जन्मे नाना ने अपनी तरफ से लाखों रुपए और सैकड़ों एकड़ जमीन दिए दान की थी, जिसकी वजह से कई स्कूल, कॉलेज, मंदिर और यहाँ तक कि शमशान घाट भी बने। मगर इस बात का मुंबई सेंट्रल स्टेशन से क्या संबंध? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की वर्ल्ड फेमस हेरिटेज बिल्डिंग में आप कई अंग्रेजों के स्टैच्यू और चेहरे देखेंगे, उसमें सिर्फ दो भारतीयों के चेहरे बहुत शान से चमक रहे, उसमें से एक चेहरा है नाना शंकर सेठ का। कुछ ही दिनों में मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल कर किया जाएगा श्री जगन्नाथ शंकर सेठ जंक्शन, who is the pioneer of Indian Railway। इस बात से खुश होकर मराठा मंदिर में पिछले 29 साल से चल रही DDLJ देखने के लिए मैं जा रहा हूं, आप भी जुड़िएगा।